क्या आपका मोबाइल का ऑलरेडी एक ईमेल आईडी है और आपको दूसरा ईमेल आईडी बनाना है या दूसरा ईमेल आईडी ज़रूरत है आपको कुछ बनाने के लिए, तो दूसरा ईमेल आईडी आप बना सकते हो। तो देख सकते मेरे पास एक ईमेल आईडी है, वो मैं वीडियो में दिखाया था ये जो मेल आईडी कैसे बना सकता है, तो वो वीडियो में बना के मेल आईडी देख सकते हैं, बना चुका है ऑलरेडी ये वाला मेल। और आपको ये दूसरा एक चाहिए और एक ऐड करना है कि एक ईमेल आईडी है और एक दूसरा आपको ऐड करना है, तो सिंपली आपको क्या करने का सेटिंग में जाएगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आने के बाद देख सकते हैं अकाउंट इसमें आने का, और इसमें ऑलरेडी आपका एक जो अकाउंट है वो दिखेगा। आपको दूसरा वाला बनाना है तो सिंपली आप देख सकते हैं नीचे ऐड अकाउंट्स इसमें क्लिक करने का, और ऐड करने के बाद आपको गूगल में क्लिक करने का, और गूगल में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, चेकिंग फॉर हो रहा है, जस्ट कुछ टाइम वेट करने का। और आपको दूसरा कुछ नया अकाउंट बनाने के लिए आपका पुराना इसमें ऐड कर सकता है, इसमें मेल आईडी आपका जो पुराना है वो डाल के उसके बाद नेक्स्ट डाल के उसका पासवर्ड डालेगा तो ओपन हो जाएगा। आपको दूसरा एक कोई नया चालू करना है, बनाना है, तो आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करने का, तो देख सकते क्रिएट अकाउंट क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक करने का और आपका जो नया नाम के साथ जो बनाना चाहते हो वो डालने का। मैं फिलहाल ये डाल देता, आपको जस्ट दिखाने के लिए आप जो नाम पे बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं। तो देख सकते मैं कुछ इस तरीके से लिखा, और देख सकते ये कौन सा महीना डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ये मैं फिलहाल कुछ भी डाल देता, आप आपका डाल देना, और ये डालने के बाद मेल फीमेल सेलेक्ट कर देना और नेक्स्ट कर देना। तो देख सकते ये इसमें से कौन सा आपको पसंद है वो सेलेक्ट करने का, मैं नीचे वाला सेलेक्ट कर दिया। दूसरा आपको इसमें से चॉइस नहीं है तो आप नीचे से बना सकते हैं आपका मर्जी से, और उसके बाद आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं ईमेल आईडी के साथ। देख सकते हैं उस मोबाइल नंबर में डालेगा तो मोबाइल नंबर पूछेगा और ओटीपी वेरिफिकेशन करने का, तो मेरे को मोबाइल नंबर नहीं डालने का, मैं ईमेल आईडी कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। और जो ये नया मेल है उसका जो पासवर्ड है वो पूछ रहे हैं, मतलब पासवर्ड कौन सा बनाना है, तो हम अभी कोई भी एक पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर भी डाल सकता है और फ़ोन मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। 8 अक्षर का चाहिए, यानी कि 8 डिजिट्स का चाहिए, वो 8 नंबर होना चाहिए, तो सिंपली आप अपन में आप एक फ़ोन नंबर डाल दिया और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। और देख सकते हैं नीचे आने के बाद यस में क्लिक करने का, और देख सकते हैं अपना जो अकाउंट है वो नया वो बन चुका है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको दोबारा एक्सेप्ट करने का, देख सकते अभी गूगल सर्विस एक्टिवेट हो रहा है। तो देख सकते अपने पास एक ईमेल आईडी था और ये जो है हम अभी बनाया। तो इस तरीके से आप आपका दो ईमेल आईडी बना के यूज़ कर सकते हैं, और आप मेल आईडी बन गए चेक करने के लिए सिंपली आपको वही प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इसमें आपका लोगो पे क्लिक करने का और ये तीर वाला आइकन में क्लिक करके देख सकते हैं मेरे पास अभी 2 आईडी है, ये पुराना ये नया अभी बनाया। तो आपका मर्जी से ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, टच करेगा तो वो मेल आईडी चेंज हो जाएगा देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपका एक फ़ोन का मेल आईडी को दो बना सकते हैं, कितना भी ईमेल आईडी चाहिए तो आपको।